आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। माना जाता है भादो कृष्णा अष्टमी को मथुरा के जेलखाना में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जीवन उथल पथल से भरा रहा है, शुरू से आखिर तक। भारतवर्ष में कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता होगा। लेकिन कृष्ण के बारे में जो हम जानते हैं उनमें से बहुत कुछ झूठ है। और झूठ कहना तो बहुत बड़ी बात है, राधा केवल काल्पनिक है, कृष्ण और राधा से कोई संबंध ही नहीं है। गोपियों के साथ रास करना, गोपियों की मटकी फोड़ देना, माखन चुराना, ये सब केवल झूठी कहानी है। लेकिन यही बात कृष्ण के बारे में ज्यादा फैली हुई है। कृष्ण के इसी रूप को लोग ज्यादा जानते हैं। राधा से, दही चोरी से, रासलीला से कृष्ण का कुछ लेना देना नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। श्री कृष्ण की पहली चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 50वें सूक्त में 13 से 16 तीन चार मंत्रों में पहली बार कृष्ण की चर्चा आई है। ऋग्वेद में यह भी आया है, आंगिरस कृष्ण ऋग्वेद के मंत्रों का दृष्टा है। ऋग्वेद के कुछ ऐसे सूक्त हैं जिनका दृष्टा, जिनका रचयिता विश्वक है, और महाभारत के अनुसार विश्वक और कृष्ण दोनों एक ही है। तो ऋग्वेद के 8वें मंडल के 50वें सूक्त में जहाँ श्री कृष्ण की चर्चा है, वहाँ वे अंशुमति यमुना नदी के किनारे रहने वाले हैं। महावीर, वीरों का नायक, 10,000 सेना का अगुआ, यमुना के बिहड़ स्थानों में रहने वाले
और बहुत तेजी से अवस्थान प्रस्थान करने वाले इंद्र का प्रबल शत्रु। और वहां कहा गया है असुर कृष्ण अंशुमती यमुना के किनारे रहने वाले हैं और घोर गर्जना करने वाले। कृष्ण को असुर कहा गया है, राम के लिए भी दसवें मंडल में असुर शब्द का प्रयोग आया है, असुर राम। लेकिन जिस असुर राम की चर्चा ऋग्वेद में है वो राम कौन है स्पष्ट नहीं है। राम नाम के व्यक्ति पहले भी होते रहे हैं। असुर राम दशरथी राम ही हैं या दूसरे हैं कोई पता नहीं है, क्योंकि दशरथ और अयोध्या से वहाँ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कृष्ण के बारे में तो साफ है, अंशुमति यमुना के किनारे रहने वाले, यज्ञ के विरोधी, असुर एक विशेषण है। असुर का अर्थ होता है प्राणवान, असु विशिष्ट, अशु का अर्थ होता है तेज प्राण बल। असुर कृष्ण मतलब बलवान कृष्ण, तेजवान कृष्ण। इंद्र को, वरुण को, मरुत को, सोम को ऋग्वेद में असुर कहा गया है। आज असुर शब्द सुनते ही हमारे मन में एक दुष्ट, दुर्जन, भयंकर व्यक्ति का चित्र उपस्थित हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बलवान लोगों को, तेजवान लोगों को असुर कहा जाता था। ऋग्वेद के ही तीसरे मंडल के 55वें सूक्त में 22 मंत्र हैं। अब प्रत्येक मंत्र के आखिर में आता है महदेवानाम असुरत्वमेकम, कि महान देवताओं का असुरत्व एक है। तो देवता है तो असुरत्व कैसे हो जाएगा? देवता तो अलग है और असुर अलग है। लेकिन वहाँ साफ शब्दों में लिखा गया है महदेवानाम असुरत्वमेकम, महान देवताओं का असुरत्व एक है, मतलब महान देवताओं का बल एक समान है। तो कृष्ण की पहली चर्चा दुनिया की सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद में है, यज्ञों का विरोधी, जो सर्वहारा वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसका रक्षक और गोपालक। ऋग्वेद में ही गोपालक, गायों का रक्षक उन्हें कहा गया है। फिर ऋग्वेद के पश्चात श्री कृष्ण की चर्चा हमें मिलती है छांदोग्य उपनिषद में। एक जिज्ञास मुमुक्षु के रूप में, घोर आंगिरस के शिष्य, छांदोग्य उपनिषद में घोर आंगिरस ने श्री कृष्ण को अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया है और जीवन यज्ञ का उपदेश किया है। वहाँ लिखा गया है घोर आंगिरस से आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर कृष्ण की पिपासा शांत हो गई। और वहाँ साफ लिखा है देवकी पुत्र कृष्ण, इसे और स्पष्ट हो जाता है कि वही कृष्ण है। घोर आंगिरस ने आत्मज्ञान देकर देवकी पुत्र कृष्ण की पिपासा को शांत कर दिया। वहाँ भी एक जिज्ञासु साधक के रूप में उनका वर्णन है। अब फिर
उनकी चर्चा मिलती है। एक शूरवीर, कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ के रूप में महाभारत में पांडवों का साथी और महाभारत युद्ध का नायक ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद और महाभारत, जो कृष्ण के बारे में हमें पहले पहले बताते हैं, उनमें राधा, गोपियाँ, दही चुराना, मटकी फोड़ना, रात करना कहीं कोई जिक्र नहीं है। रात की पहली चर्चा आती है हरिवंश पुराण में कुछ मंत्रों में, फिर उसका विस्तार आता है भागवत पुराण में रात पंचाध्यायी में, अब फिर तो गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इतना वर्णन कर डाला गया है कि पढ़ सुन करके आश्चर्य होता है। ऐसा वर्णन है गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में, आज पूरी दुनिया में लोगों की जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा कृष्ण की पत्नियां थी। अब कहाँ रहती थी वो तो लेखक से पूछना है। अकेले कृष्ण को उतनी पत्नियां थी जितनी आज पूरी दुनिया में जनसंख्या नहीं है, कई संभव है। लेकिन कहते हैं भगवान की लीला है, भगवान की लीला के नाम पर चाहे जो लिख दिया जाए। एक बार तो कृष्ण एक गोपी को लेकर, गोपी गोपिका को लेकर के जंगल में चले गए एकांत में। राधा को पता चला तो बहुत कुपित हुई, अकेली वही कृष्ण को प्रिय है, कि हमारा सब प्रिय नहीं है। तो 3 अरब गोपिकाओं को रथ में बैठाया, अब कितना बड़ा रथ रहा होगा ये मत पूछना। 3 अरब गोपिका, लिखने वाले लगता है कि शराब पीकर लिखे थे कि भांग खा करके लिखे थे कि क्या लिखे थे, लेकिन इसका खंडन करो तो कहेंगे भगवान की दुश्मनी कर रहे हो। ये कहो ना, ये सब चर्चा करो तो हाँ भगवान की बड़ी महिमा, भगवान के बड़े भगत हैं, भगवान की भक्ति है कि दुश्मनी है। पूरी दुनिया में हिंदू ही एक ऐसा समाज है जो अपने भगवान को नचाता है, चोरी करवाता है, सब कुछ करवाता है। कहाँ से कहाँ, कहाँ एक तो सर्वहारा वर्ग का रक्षक, गायों का पालक, महान वीर, अध्यात्म विद्या के जिज्ञासु, सुरवीर, कूटनीतिज्ञ कृष्ण, और कहाँ भागवत ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता का रसिया कृष्ण। कोई तालमेल ही नहीं है। गीता में जो श्री कृष्ण ये कहते हैं, यदिदा चरति श्रेष्ठ तत् देवे तरोजना शैव परमाणम कृते योग लोक तदनुवर्तते, कि बड़े पुरुष जैसा जैसा करते हैं दुनिया के लोग वैसा अनुसरण करते हैं, वो भला हंडी फोड़ेंगे, गुप्त में कचीर हरण करेंगे और कोई रात रचाने का काम करेंगे। लेकिन आज यही रूप पूरे भारत में छाया हुआ है, और आज नाटक में दिखाया जाता है। पता नहीं ये श्री कृष्ण की भक्ति है या उनके चरित्र का हनन करना है। इस प्रसंग में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। छांदोग्य उपनिषद में घोर आंगिरस ने श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ की दीक्षा दी है।
और कहा है कृष्ण तुम्हारा पूरा जीवन ही मानो यज्ञ है। भारतीय परंपरा में सबसे पुराना कोई धार्मिक कृत्य है तो यज्ञ है। यज्ञ की शुरुआत कब हुई है, कैसे हुई, इस पर कोई एक निश्चित समय रेखा खींचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना निश्चित है जितने भी भारतीय परंपरा में धार्मिक कृत्य हैं उनमें यज्ञ सबसे पुराना है। दुनिया की जो सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है ऋग्वेद, उसमें तो यज्ञ और यज्ञ और यज्ञ के विस्तार का खूब वर्णन है। ऋग्वेद का जो पहला ही मंत्र है और एक गायत्री मंत्र है, अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृदजम होतारम रत्न धात्मम, इसमें यज्ञ के सारे विधान आते हैं। अग्नि है, यज्ञ में अग्नि चाहिए, इले स्तुति है, पुरोहित, देव, ऋत्विज, होतार होता, यजमान, सब तो आ गया है इसमें। पहले मंत्र में ही यज्ञ के अनेक खास खास जो अंग हैं उनका वर्णन कर दिया गया है। ऋग्वेद भरा पड़ा है यज्ञ के विधि विधान परक मंत्रों से। ऋग्वेदिक ऋषि यज्ञ करके प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर उन्हें खुश करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते थे। धीरे धीरे आगे चलकर यज्ञों का खूब विस्तार हुआ और फिर बड़े बड़े यज्ञ, चार चार महीने, छः छः महीने, साल साल भर तक चलने वाले यज्ञ होने लग गए। और बहुत खर्चीला, आगे चलकर तो यज्ञ केवल पुरोहित और राजाओं द्वारा आम जनता के धन के को लूटने का साधन बन गया था। जब अति होती है तब लोग उबते हैं, वैदिक ऋषि ही उबने लग गए थे। तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी ने तो खुल करके विरोध किया था इन यज्ञ का। वैदिक साहित्य में ही शुरू हो गया था विरोध। उपनिषदों को देखें, छांदोग्य उपनिषद में तो यज्ञ में वेद मंत्रों के गान करने वाले पुरोहितों को ये कहा गया है जैसे कुत्ते एक दूसरे की पूंछ पकड़ करके चल घूमते रहते हैं वैसे ये पुरोहित हैं, कुत्तों का गान कह दिया गया है, इतना कठोर कहा गया छांदोग्य उपनिषद में। अनेक उपनिषदों में यज्ञों का खंडन किया गया। मुंडक उपनिषद में तो साफ कह दिया गया प्लवा हेते यज्ञ रूपा अडढ़ा अस्तादशोक्त मौरम येषु कर्म। ये जो यज्ञ रूपी प्लवा है, प्लवा मतलब नाव, अडढ़ा है, अत्यंत कमजोर है, जर्जर है, इसके जो 18 अंग कहे गए हैं सब जर्जर है। इस यज्ञ रूपी नाव में बैठ करके कोई कल्याण पार कल्याण नहीं पा सकता, भवसागर नहीं तर सकता। भारतीय दर्शनों के पितामह माने जाने वाले महर्षि कपिल ने यज्ञ को अशुद्धि, क्षय और सातिशयता दोष से पूर्ण बताते हुए कहा कि जैसे लौकिक उपायों से दुखों की पूरी निवृत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार अशुद्धि, क्षय और सातिशयता दोष से पूर्ण होने के कारण इन यज्ञ विधि विधान से भी
दुखों की पूरी निवृत्ति नहीं हो सकती। गीता में भी श्री कृष्ण से कहलवाया गया है कि ये द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है, और उसी ज्ञान यज्ञ की दीक्षा छांदोपनिषद में ऋषि घोरांगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को दिया है। यज्ञ के पांच मुख्य अंग होते हैं, दीक्षा, उपसद, स्तुशस्त्र, दक्षिणा और अवभृत। दीक्षा, किसी भी यज्ञ में कुछ यजमान होते हैं, कुछ पुरोहित होते हैं। यजमान जो यज्ञ कराने वाले होते हैं, जो करवाते हैं, और पुरोहित जो यज्ञ को संपन्न करते हैं। तो यजमान पति पत्नी दीक्षित होते हैं यज्ञ करने के लिए। घोरांगिरस कहते हैं, कृष्ण तुम्हारे जीवन यज्ञ है। और कहा है उन्होंने, खाना पीना, जीवन निर्वाह की वस्तुओं की रक्षा करना, किंतु कहीं न रमना, कहीं आसक्त न होना, ये जीवन यज्ञ की दीक्षा है। खाना पीना मजबूरी है, बिना खाए पिए हम जी नहीं सकते। अब खाना पीना है तो जीवन निर्वाह की जो वस्तुएं हैं उनको रक्षा करना भी मजबूरी है, व्यवस्था करना, उपार्जन करना भी मजबूरी है। ये सब करें, जीवन जीना तो खाना होगा, खाना तो उपार्जन करना होगा, और उपार्जित वस्तुओं की रक्षा करना होगा। ये सब करें लेकिन मन को कहीं रमाएं ना, कहीं आसक्त ना करें, तो मानो आप जीवन यज्ञ में दीक्षित हैं। खाना पीना मजबूरी है लेकिन आसक्त हो जाना हमारी कमजोरी है। हम आसक्त हो जाते हैं, उन्हीं में रम जाते हैं, मोह बना लेते हैं, इसलिए हमारा जीवन यज्ञ नहीं बन पाता। खाए पिए, जीवन का निर्वाह करें, निर्वाहिक वस्तुओं का उपार्जन करें, उनकी रक्षा करें, लेकिन मन को कहीं किसी से जोड़ करके न रखें। यज्ञ का दूसरा अंग है उपसद। उपसद का अर्थ होता है ले जाना, प्राप्त करना, दान करना। जो खाता पीता है, जीवन निर्वाह की वस्तुओं की रक्षा करता है, किंतु उन्हीं में रम जाता है, मोह बना लेता है, तो उनकी वासनाएं उन्हें फिर जन्म मरण के प्रवाह में ले जाती है। उपसद का अर्थ है ले जाना। खाएं पिए, रक्षा करें, लेकिन आसक्त न हो तो संसार की वासनाएं आपको फिर संसार में नहीं ले जाएगी। और आसक्त हो जाते हैं, मोह बना लेते हैं, तो वासना बनेगी, संस्कार बनेंगे, और वासना संस्कार आपको फिर वही दुख में ले जाएंगे जिन दुखों से आज तक पीड़ित होते आए हैं। यज्ञ का तीसरा अंग है स्तुत शस्त्र। स्तुत का अर्थ है जिसकी स्तुति की गई हो, जिसकी प्रशंसा की गई हो, प्रशंसित। तो जो दुनिया में हंसता गाता है, खाता पीता है, मौज मस्ती करता है, भोग विलास करता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, देखो वो कितने सुखी आदमी, कितने धनी आदमी, कितने सौभाग्यशाली आदमी। लौकिक वस्तुओं
भोगेश्वरियों और भोगों के प्रति स्वाभाविक है ये लोगों के मन में आकर्षण है। तो जिनके पास लौकिक वस्तु में बढ़ जाती भोग ऐश्वर्य बढ़ जाते हैं, जो स्वस्थ शरीर है, अनेक इंद्रियों से अनेक प्रकार के भोगों को भोग करते हैं, हंसते गाते हैं, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, ये बड़े सौभाग्यशाली आदमी है, पूरे जन्म का पुण्यात्मा आदमी है, उसकी प्रशंसा होती है। लेकिन वो प्रशंसा कब तक? अंत में चाहे जो भोग हो, दुख के तो कारण बनते हैं। उधर आकर्षित नहीं होना है, बस काम करना है, सेवा करना है। यज्ञ का चौथा अंग है दक्षिणा। कोई भी धार्मिक कृत्य जब पूरा हो जाता है तो यजमान और धार्मिक कृत्य कराने वाले जो पुरोहित है उसको दक्षिणा देता है, भेंट के रूप में, पूजा के रूप में कुछ द्रव्य, कपड़ा, अन्न आदि, उसको दक्षिणा कहा जाता है। यहां घोर आंगिरस जीवन यज्ञ की दीक्षा दे रहे हैं तो इसकी दक्षिणा कोई स्थूल पदार्थ नहीं है, रुपये पैसे या खाने पीने की चीजें नहीं हैं। इसकी जो दक्षिणा है जीवन कल्याण के लिए, जीवन को ऊपर उठाने वाली बातें हैं। अथ यत् तपो दान मार्दो महिंसा सत्वचन मिति ता अस दक्षिणा। तप दान आर्जव मतलब सरलता, अहिंसा और सत्य वचन, ये जीवन यज्ञ की दक्षिणा है। अब पांचों अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है तप, तपस्या। तपस्या का अर्थ काया कष्ट नहीं है, भूखे रहना, नंगे रहना, खड़े शरीर रहना, ऊर्ध्वबाहु रहना, गर्मी में आग तापना, ठंडी दिनों में पानी में घुसे रहना, एकदम मौन हो जाना, इन्हें तप माना जाता है। लेकिन ये तप नहीं है, काया कष्ट है। इससे बहुत जल्दी लौकिक प्रसिद्धि हो जाती है, महिमा फैल जाती है, रुपये पैसे धन द्रव्य आदि मिल जाते हैं, लेकिन ये काया कष्ट कल्याणकर नहीं है। बड़े बड़े ऐसे तपस्वी हैं, 8 साल से 10 साल से 12 साल से खड़े हैं, मौन हैं, रहते हैं, लेकिन तंबाकू भी नहीं छोड़ पाए हैं। कौन सी तपस्या है ये? जो छोड़ना चाहिए, एक सामान्य सज्जन गृहस्थ को भी जो तंबाकू नहीं खाना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए, वो तपस्वी लोग पी रहे हैं, तपस्वी लोग ये तंबाकू खा रहे हैं, तो ये तपस्या नहीं है। और इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं, दुख निवृत्ति होने वाली नहीं है। तो तप क्या है? सत्य के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, लोक कल्याण के मार्ग में या आत्मकल्याण के मार्ग में जो बाहर और भीतर से विघ्न बाधाएं आती हैं उनको धैर्य पूर्वक सहन करना, विचलित न होना। हम विचलित हो जाते हैं, धर्म और सत्य के मार्ग में चले, किसी गुरु से दीक्षा ले लिए, किसी संत से जुड़ गए,
परिवार में किसी की मौत हो गई, भैंस का बच्चा मर गया, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, कोई बीमार हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, तो कहते हैं भैया ये कर रहे हैं ना, गुरु दीक्षा लिए उसी का फल है, छोड़ दिया। या कोई और लोक सेवा का काम करना शुरू किए, कुछ घाटा हो गया तो उसी का फल भैया ये छोड़ दिया। ऐसा करने वाले लोग भला कुछ आगे बढ़ सकते हैं, आत्मकल्याण लोक कल्याण का काम कर सकते हैं? सत्य के मार्ग में जो विघ्न बाधाएं आती है उनको धैर्य पूर्वक और प्रतिक्रिया रहित भाव से सहन करना, यह तप है। और इसी तप से हमारा जीवन ऊपर उड़ता है। सहन तो करना है, रो करके नहीं, दुखी होकर नहीं, धैर्य पूर्वक, साहस पूर्वक और प्रतिक्रिया रहित भाव से। थोड़ी सी हानि होती है, हमारे मन में तुरंत प्रतिक्रिया खड़ी हो जाती है। प्राकृतिक उत्पादों से जो नुकसान हो तो उसमें तो प्रतिक्रिया नहीं होती, गुस्सा नहीं आता, लेकिन किसी आदमी ने कह दिया, आदमी नुकसान कर दिया, तुरंत हम प्रतिक्रिया में आ जाते हैं, बदला लेने की भावना, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। कितना लड़ झगड़ लो, अंत में तो चुप होना पड़ेगा। प्रतिक्रिया का भाव मन में न जगे तब तप है। जो बात आई थी, ये समझ लेना कि जो कुछ भी घाटा हो रहा, नुकसान हो रहा है, मेरे ही अपने कर्मों का फल, प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं, धैर्य छोड़ देते हैं। निश्चित है चाहे कितनी भी विघ्न बाधाएं आएंगी, अंत में उन्हें दूर होना है। धैर्य रखें, जीत आपकी होगी। तो तप का अर्थ क्या है? धर्म, सत्य, लोक कल्याण, आत्मकल्याण के मार्ग में बाहर से और भीतर से जो भी विघ्न बाधाएं आती है, अविचलित भाव से, प्रतिक्रिया रहित भाव से धैर्य रखकर उन्हें सहन करना और आगे बढ़ते जाना, यही कल्याण का, आत्मोत्थान का मार्ग है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जीवन यज्ञ की ये पहली दक्षिणा है तप, कष्ट सहिष्णु बनना। दूसरा है दान। हमारा जीवन अनेक लोगों के सहयोग से चलता है, अनेक लोगों से हम उपकृत हैं, पता नहीं कहां कहां से किस किस प्रकार से हमें सहयोग मिला है, गणना करना ही असंभव है। तो हमारा भी कर्तव्य होता है, हम भी कुछ ऐसा करें जिससे दूसरों की सेवा हो, दूसरों को सुख मिले, सुविधा मिले, देने की आदत बनाएं, और वो भी शुभ दें। दान के अनेक क्षेत्र हैं, जल दान, अन्नदान, वस्त्र दान, औषध दान, भूदान और ज्ञान दान। जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में रह करके कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे दूसरों की सेवा हो, दूसरों को सुख सुविधा मिले, आराम मिले। हम देंगे ही नहीं तो हमें मिलेगा कहां से?
आखिर हम पाना चाहते हैं ना, तो पाना चाहते हैं तो मिलेगा कैसे बिना दिए? जो हम पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, प्रेम पाना चाहते हैं, दया पाना चाहते हैं, सेवा पाना चाहते हैं, मीठी वाणी पाना चाहते हैं, तो ये सब देना शुरू कर दे। देते जाएंगे मिलता चला जाएगा। ये पूरी दुनिया एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक दूसरे के सहयोग से चल रही है, इसलिए देने की आदत बनाएं, और वो भी शुभ दें, अशुभ नहीं। और नहीं दे सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जानबूझकर किसी को तकलीफ ना दें, किसी के रास्ते में रोड़े ना अटकाएं, किसी को असुविधा ना दें, पीड़ा ना दें, इतना कर लें तो बहुत हो जाएगा। गौरांगित कहते हैं कृष्ण जीवन यज्ञ की दूसरी दक्षिणा है दान, देने की आदत बनाना, देना, दूसरों की सेवा करना। तीसरी दक्षिणा है आर्जव, आर्जव का अर्थ है सरलता, विनम्रता। हम वक्र हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। थोड़ी सी योग्यता मिली, थोड़ी सी बुद्धि आ गई, थोड़ी कुछ विद्या पढ़ लिए, थोड़ा पद मिल गया, थोड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, थोड़े रुपये पैसे मिल गए, अब तो फिर छाती तान कर हाथ धुलाव चलते हैं कि हम ही हम हैं बस। यहां तक सहज मनुष्यता तक को भूल जाते हैं। मनुष्यता क्या है? सरलता। अपने को यदि हम सिर्फ एक मनुष्य मान लें, मैं सिर्फ एक मनुष्य हूं, जैसे अन्य लोग मनुष्य हैं वैसे मैं मनुष्य हूं, कुछ ना माने अपने को, क्या मनुष्यता का अहंकार होता है? आप मनुष्य तो हैं, विद्वान होने का अहंकार होगा, बुद्धिमान होने का अहंकार होगा, ज्ञानी होने का अहंकार होगा, लेखक होने का अहंकार होगा, प्रवक्ता होने का, कवि होने का अहंकार होगा, नेता होने का अहंकार होगा, अफसर होने का अहंकार होगा, धनवान होने का अहंकार होगा, गुरु होने का, महंत होने का अहंकार होगा। ये सब झूठ है। मूल में क्या है? मनुष्य। ज्ञानी मनुष्य है, विद्वान मनुष्य है, बुद्धिमान मनुष्य है, धनवान मनुष्य है, पदवान मनुष्य है, नेता मनुष्य है, गुरु मनुष्य है, महंत मनुष्य है, सब तो मनुष्य हैं। मनुष्यता भूल जाती है, हमारी सरलता गायब हो जाती है, हम वक्र हो जाते हैं। अब मन ही वक्र हो गया तो सारा विहार वक्र होगा। हम दुखी, दूसरे दुखी। हम चाहते हैं कि सभी लोग जो मुझसे मिले सरल होकर के, विनम्र होकर के, निश्चल होकर के मिले, तो यही आशा तो दूसरे लोग हमसे भी करते हैं। इसलिए सरलता, कुटिल नहीं, गांठदार नहीं, अहंकारी नहीं, बिल्कुल सरल सादा। अपने को कुछ ना माने तो हम सरल बने रह जाएंगे, निष्कपट। इसीलिए प्रथम निषद में ऋषि ने कहा, तेसामसो विरजो ब्रह्मलोको न एस जीव हम नृतम न मायाशीत। निर्मल ब्रह्म किसके लिए है? जिसके मन में कुटिलता नहीं है, झूठाई नहीं है, छल कपट नहीं है, मतलब सरल, गांठ रहित मन, जो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।
गन्ना में जहाँ जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, मिठास नहीं होती। गन्ना में रस कहाँ होता है, मिठास कहाँ होती है? जहाँ गांठ नहीं होती। ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम लोग गांठ बना लेते हैं। और गांठें बनती गई, हमारा भीतर का रस सूखता चला गया, हम निरस होते चले गए, शुष्क होते चले गए, जीवन यज्ञ नहीं बन पाता है, दुख से रहित नहीं हो पाता। घोरांगे कहते हैं कृष्ण आर जाओ, सरल सरल मन वाला बनो, निश्चल मन वाला। चौथी दक्षिणा है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है तन मन वचन से किसी की हिंसा न करना। अहिंसा नकारात्मक है, लेकिन एक नकारात्मक गुण ही आ जाए, एक अहिंसा जीवन में आ जाए, तो सारे सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। हमारा मन कहना चाहिए, हमारा जीवन हिंसा से भरा होता है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घृणा, वैमनस्य, बैर विरोध की भावना, ये मानसिक हिंसा है। किसी की उन्नति को देख करके, किसी की बढ़ोतरी को देखकर, किसी की सुख को देखकर, किसी के सम्मान को देख करके हमारे मन में ईर्ष्या होती, जलन होती है, तो हम हिंसक हैं। भले हम बाहर से हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मन से हिंसा कर रहे हैं। अहिंसा क्या आ सकता है? कोई खुश है, सुखी है, संपन्न है, आगे बढ़ रहा है, किसी का बड़ा सम्मान हो रहा, प्रतिष्ठा मिल रही है, खुश हो, क्या बिगड़ जाएगा? खुश होने के बदले हम दुखी हो जाते हैं, ये हमारी हिंसा है। किसी के हमने दुख को देखा, किसी के परिवार में किसी की मौत हो गई, उसकी नौकरी छूट गई, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, व्यापार में घाटा हो गया, उसे भयंकर बीमारी लग गई, इस बात को सुनकर देख करके हमारा मन खुश हो गया, तो हमने हिंसा कर लिया। ये मानसिक हिंसा है। इस मानसिक हिंसा का परिणाम दूसरे को मिले या ना मिले, हमें तो मिलना ही मिलना है। वाचिक हिंसा, किसी निंदा करना, बुराई करना, चुगली करना, अश्लील बात करना, कठोर बात करना, यहाँ की बात वहाँ का लगाते रहना, कला कल्पना राय झगड़े की बात करना, गाली देना, झूठ बोलना, ये सब वाचिक हिंसा है। और कायिक हिंसा तो सब जानते हैं, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, बलात्कार करना, किसी की फसल में या घर में आग लगा देना, किसी को लूट लेना, हाथी से, लात से, हाथ से, डंडा से किसी को मार देना, ये कायिक हिंसा है। सारे जितने हिंसा है सबसे बचना होगा। यदि सचमुच में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आत्मकल्याण चाहते हैं, तो मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों प्रकार की जो हिंसा है उसको पूर्णतया त्याग। अहिंसक, बिना अहिंसक हुए कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे गुरु सबसे बड़े, दूसरे के गुरु छोटे,
हमारी किताब ईश्वर की आवाज, खुदाई कलाम, अपौरुषे आप्त प्रमाण, दूसरों की किताब मनुष्यों की लिखी हुई, हमारे महापुरुष ईश्वर के अवतार, साक्षात ईश्वर परब्रह्म परमात्मा, हमारे गुरु और हमारी जो परंपरा है, हमारा जो मत है, हमारा जो पंथ है, हमारा जो मजहब है, एकमात्र वही कल्याण का और स्वर्ग का रास्ता है। बाकी जितने रास्ते हैं, जितने गुरु हैं, सब नरक में ले जाने वाले हैं, ये कहना सोचना घोर हिंसा है। और इसी हिंसा से धार्मिक क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा फैलती है, सांप्रदायिक कलह फैलता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, सब प्रकार की हिंसा का त्याग, तब मन निर्मल होगा, तब कल्याण की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं हो जाएगी। अपने लिए हम क्या चाहते हैं? अहिंसा, तो ये सब चाहते हैं। जीवन यज्ञ की पांचवी दक्षिणा है सत्य वचन। थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम बार बार रात दिन झूठ बोलते रहते हैं, और जितना हम झूठ बोलते जाते हैं उतना हमारा मन गंदा होता चला जाता है। जिन चीजों के लिए हम झूठ बोलते हैं आजकल में, उन चीजों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, और एक दिन वो चीजें तो छूट ही जाएगी, लेकिन झूठ के संस्कार हमने मन खराब कर लिया, वो तो बराबर हमें पीड़ित करते ही रहेंगे। दुनिया में हर आदमी अपने लिए दूसरों से सत्य वचन ही चाहता है। कोई आदमी अपने लिए असत्य वचन, झूठा वचन नहीं चाहता। किसी को झूठ प्रिय नहीं है, दूसरों का झूठ अच्छी बात, लेकिन अपना झूठ सबको अत्यंत प्यारा है। और जितना हम झूठ बोलते जाते हैं अपने को ही छलते चले जाते हैं। जीवन यज्ञ की दक्षिणा सत्य वचन। बिना सत्य वचन के हम पूर्ण आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते। अब ऐसा प्रसंग आ सकता है कि कोई व्यक्ति आपसे आया, कोई व्यक्ति आपके पास आया आपसे कुछ मांगने के लिए, और आप जानते हैं कि इसे मैंने कोई चीज यदि दिया या यदि देता हूं तो ये वापस नहीं करने वाला है। इसका स्वभाव ही है, मांगने का, ले जाने का, वापस करने का स्वभाव नहीं है, ये वापस करेगा नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करें? हाँ, अपने यद्यपि पूर्व आध्यात्मिक ऊंचाई से देखें तो यह हो जाए, चलो मांग रहा दे दो, मेरे पास पड़ा हुआ है, निरर्थक दे देता हूं। आप दे सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं दे सकते हैं तो अपनी वस्तु के लिए आप यदि झूठ बोलते, भैया आप मांग रहे हैं, आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपके कष्ट को सहन सुनकर मुझे कष्ट हुआ, लेकिन अभी अभी वो चीज चित्त थी, मैंने उसको खत्म कर दिया या अमुक दे दिया। आप अपनी चीज की रक्षा कर रहे हैं ना, दूसरी चीज हड़पने के लिए नहीं है। अपनी चीज की रक्षा
करने के लिए झूठ बोल लें, फिर धीरे धीरे अभ्यास बनाएंगे तो ये भी छूट जाएगा। लेकिन झूठ खास वह है जिसमें हम दूसरे को धोखा देना चाहते हैं, दूसरे की चीज़ को हड़पना चाहते हैं, बहानाबाजी बनाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, ऐसा झूठ ना बोले। ऐसा झूठ बोल कर तो अंत में अपनी ही हानि होगी। तो सत्य वचन, तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य वचन, ये जीवन यज्ञ की दक्षिणा है और इसी से ये जीवन यज्ञ पूरा होता है। तो दक्षिणा जीवन यज्ञ का चौथा अंग है, अंतिम अंग। जहाँ यज्ञ पूरा हो जाता है वह है अवृत। अवृत का अर्थ होता है यज्ञ की समाप्ति पर किए जाने वाला स्नान। यज्ञ समाप्त हो जाता है, यजमान जो पति पत्नी जाकर के नहाते थे और फिर वहां से यज्ञ पूरा हो जाता था। यहां अभित क्रिया है मौत। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है जन्म लेना सोमरस निचोड़ना है। वेदों में सोमरस का बहुत महत्व, बहुत ज्यादा महत्व है, खूब अलंकारिक शब्दों में उसका वर्णन किया गया है। यज्ञ करते समय ऋषि लोग या पुरोहित लोग सोमरस पीते भी थे। तो कहा गया है कि जन्म लेना सोमरस को निचोड़ लेना है और मौत हो जाना अवृत है यज्ञ के समाप्ति पर होने वाला स्नान है। इस अवृत अंतिम समय के लिए घोर आंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को तीन बातों का उपदेश दिया है और कहा है सो अंत वेलायाम एतत्त्रयम् प्रतिपद्येत अच्युतम असि अक्षितम असि प्राण संस्थितम असि। हे कृष्ण, अंतिम बेला में मौत के समय में तीन बातों पर ध्यान देना, तीन बातों का स्मरण करना, तीन बातों का प्रतिपादन करना। मैं अक्षत हूं, कभी नाश ना हो, जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी, अच्युत, जिसका कभी पतन नहीं होता है। श्री कृष्ण को अच्युत भी कहा जाता है, अच्युत जिसका पतन ना हो सके। और प्राण संसितम, जो प्राणों से भी तेज है, प्राणों से तेजवान। इन तीन, मैं अविनाशी हूँ, अक्षत हूँ, अच्युत हूँ और प्राणों से भी सूक्ष्म हूँ। लेकिन ये अंतिम समय में इन बातों का प्रतिपादन कौन करेगा, स्मरण कौन करेगा? यदि हम जीवन भर देहाभिमान में पछते रहे हैं, देहाशक्ति में डूबे रहे, दुनिया के राग रंग मोह माया अहंता ममता कला कल्पना में डूबे रहे, जीवन भर रुपये पैसे पद परिवार प्रतिष्ठा की चिंता में डूबे रहे, तो क्या अंत में होगा कि मैं अजर मन अविनाशी हूँ इस भाव का स्मरण? तो जीवन भर जो किए हैं उसी का ही चिंतन होगा ना, क्योंकि संस्कार उसी के मन में भरे हुए हैं। यदि चाहते हैं कि अंतिम समय में अपने आत्मा का स्मरण हो, आत्मज्ञान का स्मरण हो, तो अभी से हमें वह अभ्यास करना होगा, उस भाव को मन में बना करके रखना होगा। मैं असंग हूँ, अकेला हूँ, अक्षत हूँ, अच्युत हूँ, प्राणों से भी सूक्ष्म हूँ। जीवन का कार्य व्यवहार तो करना होगा, मजबूरी है, लेकिन अपने उस
वास्तविक जो स्वरूप है उसके स्मरण तो करते रहें। दुनिया का काम करने है और अपनी आत्मा अपना स्वरूप मननी है। एक है करने और एक है मननी। करने मतलब जिसे करना चाहिए, जिसे करना मजबूरी है, और मननी का अर्थ है जिसका मनन करना चाहिए। दुनिया का काम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, बाल बच्चों का पालन पोषण करो, उन्हें लिखाओ पढ़ाओ, जो करना करो, उसके लिए कौन मना करता है। लेकिन रात दिन उसी का चिंतन मत करते रहो, उसी की याद में मन को डुबा करके मत रखो। काम करने के पहले चिंतन कर लो, योजना बना लो, लोगों से राय ले लो। जब योजना बन गई, राय ले ली गई, तो उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दो। मनन करना है अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का, स्वरूप भाव का। जब जीवन भर हम अपने स्वरूप का चिंतन करते रहेंगे तो अंतिम समय में उसमें उसका ख्याल होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। सो अंत वेलायाम तरण प्रतिपदित अक्षितम असि अच्युतम असि प्राण संस्थितम असि। हमें अपने लिए आज से और अभी से इस भाव को मन में बनाकर रखना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, जब ये ज्ञान घोर अंग्रस ने कृष्ण को दिया तो ये ज्ञान पाकर के कृष्ण की सारी तृष्णा, सारी पिपासाएं शांत हो गई। हम भी चाहते हैं कि हमारी जो तृष्णा है, हमारी जो पिपासा है, वो शांत हो जाए। कोई तृष्णा, कोई पिपासा किसी प्रकार का लोभ मन में न रहे, तो देहाभिमान से ऊपर उठकर आत्मभाव का चिंतन करें। समझ लें, ये जीवन ही हमारा पूरा यज्ञ है। खाने को, पीने को, चलने को, बरतने को, काम करने को, सबको यज्ञ का अंग बना लें। अनासक्त होकर के करें, निष्काम होकर के करें, सेवा भाव होकर समर्पित होकर के, कर्तव्य समझ करके करें। लेकिन कहीं मन को रमाए ना, और तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्य वचन, ये जो दक्षिणा है, ये सद्गुण है, इनका जीवन भर आचरण करते रहें, तब अंतिम समय में मैं अक्षत हूँ, अच्युत हूँ, प्राणों से भी सूक्ष्म हूँ, इस भाव में हमारा मन टिकेगा। और इसी भाव में यदि शरीर छूट गया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद में घोरांगिरस ने श्री कृष्ण को जो जीवन यज्ञ की दीक्षा दिया, जीवन यज्ञ को उपदेश दिया था, आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उसी संदर्भ में मैंने आप लोगों के समक्ष एक निवेदन किया। और अंतिम एक बात और, घोर अंगिरस ने जिस आत्मज्ञान को उपदेश दिया, मन के अंतर्मुक्ता को उपदेश दिया, यदि हम कहानी जोड़ते हैं तो सचमुच में ये घटना कृष्ण के जीवन में घटित होती है। महाभारत में आया है, महाभारत युद्ध के 36 साल पश्चात यादवों में घोर कलह हुआ और प्रभास क्षेत्र में यादव एकत्र हुए तीर्थ भ्रमण करते हुए, फिर वहां शराब पी पी करके सब उन्मत्त हो गए और एक दूसरे को काट काट करके आपस में मर गए सब। श्री कृष्ण वहां उपस्थित है, उनके सामने ही उनका पूरा परिवार, बेटा, भतीजा, भाई, सारे रिश्ते नातेदार कट करके आपस में मर गए। और अंत में उन्होंने एक दूत हस्तिनापुर भेज दिया अर्जुन के पास, और जाकर के वसुदेव से कहते हैं। उस समय वसुदेव जैसा वर्णन है उस समय 150 साल के रहे होंगे, कि जो कि एक घटना जब घटी है तब श्री कृष्ण कुमार ही 120 साल की रही होगी, और आठवां बेटा है वसुदेव का। तो वसुदेव बता दिए कि
पूरे यादववंश का विनाश हो गया है, मैंने दारुक को हसिनापुर भेज दिया है अर्जुन के पास, अर्जुन आ जाएंगे, महिलाओं को बच्चों को जो कुछ है सबको याद कर ले जाएंगे, मैं जा रहा हूँ, यहाँ रुकूंगा नहीं। चले गए जंगल में और एक पेड़ के नीचे समाधि लगा करके बैठ गए। वहीं पर जरा नाम के ब्याज के बाम से उनका शरीर छूटा था। कल्पना करो एक व्यक्ति के परिवार में अत्यंत बूढ़ा या कोई बिल्कुल नवजात शिशु की मौत हो जाती है, परिवार वाले कितने दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं, और जिसके आंखों के सामने उसका पूरा परिवार विनष्ट हो गया है, वो भी आपस में लड़कड़ करके, वो कृष्ण का मन कितना मजबूत रहा होगा कि समाधि में जाकर बैठते हैं, ध्यान लगा करके बैठते हैं। हम कृष्ण के जीवन से ये उपदेश नहीं लेते हैं, ये संदेश नहीं लेते, बस रात रचाते हैं, हंडी फोड़ते हैं, भटक गए हैं। कृष्ण के जीवन का जो क्रांतिकारी स्वरूप है और ये अध्यात्म का रूप, और इतने भयंकर घटना के पश्चात ध्यान समाधि में बैठना, इस रूप को लेने की आवश्यकता है, यही उनके जीवन की खास प्रेरणा है। यदि हम ले लेंगे तो हमारा भी जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।